और दोस्तों सरण ठाकुर। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि आपको कोई ऐसे टिप्स दूंगा जो फर्स्ट टाइम होम सेलर हैं, पहली बार आप अपना घर बेचने जा रहे हैं, तो क्या किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो सबसे पहली बात जो आती है उसमें आपको सही प्राइसिंग जानना, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका घर कितने का है। अगर आप बहुत ज़्यादा कोट कर रहे हो तो बहुत सारे पोटेंशियल बायर जो हैं आपके हाथ से निकल जाएंगे जो ले सकते थे, या आप अगर ज़्यादा प्राइस कोट करते हो तो आपको लगता है कि मैं तो समझदारी का काम कर रहा हूँ, बट यू हेल्प अदर्स टू सेल देयर प्रॉपर्टी। इफ़ यू आर कोटिंग यू नो मोर देन मार्केट प्राइस, यू आर हेल्पिंग अदर्स, बिकॉज इफ़ यू नो मार्केट प्राइस इज़ 1 CR, आप एक कोट कर रहे हो 1.25 CR, अब एक बंदा 1.10 बोलता है, 1.5 बोलता है, 1.15 बोलता है, तो क्या होगा। जैसे मैं हूँ तो मैं बताऊँगा, देखिए सर 1.25 लोग बोल रहे हैं, मैं आपको 1 का दिलाता हूँ। तो सारी चीज़ें बेचने में आप मदद कर रहे हो दूसरे की, और आपका पड़ा हुआ है। अब आपका अगर बहुत दिन तक है मार्केट में तो लोग बोलते क्या हो गया, 6 महीने हो गया, गया नहीं गया इसका, देर इज़ सम यू नो फॉल्ट और कुछ तो भी ऐसा है, तो गलत नाम से आपका हो जाता है, नाम ख़राब हो जाता है, क्योंकि अच्छी चीज़ है तो निकल जानी चाहिए। मैक्सिमम 2 महीने के अंदर प्रॉपर्टी बिक जानी चाहिए, रेंट आउट 2 वीक में होना चाहिए, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ इतना टाइम काफ़ी होता है। तो सबसे पहले आप एक, अब कैसे जानोगे, अगेन गूगल करो, सिमिलर चीज़ें ढूंढो आप अपने एरिया में। समझो मैं पुणे में हूँ, विमान नगर में हूँ, तो मैं डालूँगा विमान नगर 2 BHK सेल, जो भी आ जाएगा। अब सोसाइटी सोसाइटी में फ़र्क होता है, तो उस लोकेलिटी का आप थोड़ा निकाल के फिर एवरेज निकालो, बेस्ट से बेस्ट, ख़राब से ख़राब प्राइस, 10 प्रॉपर्टी आपने देखी, एवरेज क्या आया आप देख लो, ठीक है, और वो एवरेज ही मार्केट प्राइस है। अब जो भी कोट करता है वो 5-10% बढ़ा के डालता है। मान लो किसी को 1 करोड़ में बेचना है कोई चीज़, तो वो क्या करेगा, 1.10 या 1.5 बोलेगा। तो अब वो जो एवरेज प्राइस है उससे आपको 10% लेस करोगे या 5% लेस करोगे तो मार्केट वैल्यू आपकी आ गई। आपको भी जब कोट करना है तो 5, क्योंकि लोग निगोशिएट करेंगे, फिक्स प्राइस नाम की चीज़ नहीं यहाँ होती, तो 10 की जगह 5% ही मार्केट से ऊपर रखो। बोलो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला चीज़ जो है वो सब है। तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरा, एक और अभी नई चीज़ आई है ZAP की, ZAPKEY, जो शहर हैं बड़े बड़े मेट्रोज हैं वहाँ पर ये काम करते हैं। ये लास्ट के जितने भी सौदे, जैसे मैं पुणे में हूँ, वो सारे वहाँ पर आप जाके देख सकते हो, और वो रियल होते हैं। उनको जो अपना IGR होता है ना, जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, वहाँ से सारा डेटा वो कलेक्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया में आपको अधिकार है ये जानकारी हासिल करने का कि कितने में सौदे हो रहे हैं। तो ये लोग वहाँ से करके अपनी वेबसाइट पे अपडेट करते हैं। इनफैक्ट आप उनकी कुछ फ़ीस पे करके आप उनके पूरे डॉक्यूमेंट तक डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई जो लास्ट सौदे हुए वही मार्केट प्राइस रहती है। आप अपने हिसाब से बोलते हो, यार मैंने ख़रीदा था 1 करोड़ का, उसके बाद हर महीने मेरा EMI गया, अभी 3 साल हो गए, तो मेरा 1.40 तो मेरे को पड़ रहा है। वो हिसाब से आपके हिसाब से नहीं, आपने लोन लिया वो आपकी प्रॉब्लम है, आप डाउन पेमेंट पे देते ना, या आपने कुछ भी खर्चा कर दिया, फर्नीचर कर दिया, भाई अब सामने वाले का टेस्ट अलग है, आपको वो पसंद था पर दूसरे को तो नहीं है ना। तो आप उन चीज़ों को, मतलब अगर फर्नीचर है तो कैसे, मतलब वो भी एक आइडिया दे देता हूँ। फर्नीचर आपने लगा दिया है, अनयूज्ड है, एकदम अनयूज्ड है, तब भी 75% ही उसकी वैल्यू हो जाती है। फिक्स कर दिया है, अनयूज्ड है, तो यूज़ कर लिया तो सीधा 50%, और पुराना हो गया तो 25% ही आती है वैल्यू, और 10 साल से ज़्यादा है तो वो स्क्रैप समझो, सामने वाला तोड़ के निकालने का, सामान जाने का वो खर्चा उसके आंख पे आएगा, ठीक है। तो ये सारी फ़र्क रहते हैं, तो अब उनको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारा घर है और पैसे की सभी को लगता है ना कि ज़्यादा मिले मुझे तो मैं ट्राई तो करूँगा, लेकिन क्या चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं यू नो राइट और रॉन्ग नहीं है हर चीज़ में, पर एक बेटर प्राइस है, समझ रहे हो, वो बेटर प्राइस ये है, और हमें हकीकत को समझना पड़ेगा अगर सेल करना है तो। ये कर लिया, उसके बाद पहला पॉइंट है प्राइसिंग समझ ली। सेकेंड चीज़ है कि आपको प्रेजेंटेबल बनाना है घर को, ऐसे नहीं कि टेनेंट रह रहे हैं,
अस्त व्यस्त हालत में है, आपको फुर्सत नहीं है, आप इन्वेस्टर हो, आपके पास 10 प्रॉपर्टी है, गंदा संदा पड़ा। मैं देखता हूँ वो पैसे वाले वो ध्यान ही नहीं दे रहे, वो बैठे हैं बाहर, यहाँ पे बारिश आई थी, पानी आया, मिट्टी धूल से अभी घास भी जमने लगी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है पर उसका कोई लुक आफ्टर नहीं कर रहा है। अब वो दे दिया हमें, हम जा रहे हैं दिखाने के लिए, मतलब एकदम ख़राब दिखता है। वहीं पे अगर 10-5 हज़ार खर्चा करके सब पेंटिंग वाइट वॉश करके थोड़ा क्लीन करके डीप क्लीनिंग और चमका धमका के, तो आप 5 हज़ार खर्चा करोगे ना 50 हज़ार प्राइस ज़्यादा मिलती है क्या 10 टाइम, या 50 हज़ार खर्चा किया आप उसका रेट 5 टाइम तो पकड़ के चलो 2-3 लाख एक्स्ट्रा देखी जाएगी। तो उसको अच्छे से तैयार करके प्रेजेंटेबल एकदम रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कैसे भी दिखाने नहीं है। फिर लड़की को देखने आते हैं तो जो जैसे उठ के आ के सो के दिखा देते हैं या वो तैयार करते हैं और फिर देखने आते हैं, तो ये भी है कि देखने आए ना, समझ गए। थर्ड चीज, एक अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफर से उसकी फोटोग्राफी वीडियो शूट करो, खुद ही ऐसे मोबाइल से आड़ा टेढ़ा जैसा है अंधेरा वो ख़राब लगता है। अब जैसे ही क्वालिटी, प्रोफेशनल आदमी क्या लेगा पैसा यार, 2-5 हज़ार लेगा, मस्त क्वालिटी एकदम वीडियो फोटो बनाओ। जो अगर आप कहीं पे लिस्टिंग करने जा रहे हो या यू नो प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया कहीं पे भी डालते हो, तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए तभी लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं वहाँ पर। तो वो चीज़ का ध्यान रखो कि खुद ही नहीं करने का, वो दे दो किसी को, वो मस्त उसके हिसाब से करके देगा, तो इससे फ़र्क पड़ेगा आपको। 2 पैसा आप लगाते हो लेकिन उसके 5-10 टाइम्स ज़्यादा आपको प्राइस भी मिल जाती है, वो ऐड कर लो। अब आप मान लो लिस्टिंग करने वाले हो, मुँह से तो आप बताओगे तो कितने ही लोग होंगे, तो आप लिस्टिंग करने जाते हो तो कब हम करें कि ज़्यादा लोग उसको देखें, तो थर्सडे का टाइम सबसे बेस्ट रहता है, थर्सडे को लिस्टिंग करो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, थर्सडे को करोगे एक दिन बाद लाइव होगी, फ्राइडे को इवनिंग में ज़्यादातर कपल या जो घर सर्च करते हैं वो देखते हैं, देन सैटरडे संडे वो चल पड़ते हैं बातचीत करके शॉर्ट लिस्ट करके कि ये 4-5 ऑप्शन है इस एरिया में, उनको देखने जाते हैं। पर वही आप मंडे को करोगे तो किसी को फुर्सत नहीं मंडे ट्यूसडे वेनसडे, क्योंकि अगले दिन आना नहीं, आधी चीज़ें दिमाग से निकल जाएगी। तो थर्सडे सबसे बेस्ट चीज़ है लिस्टिंग करने की। कहीं अगर पेड लिस्टिंग करती तो क्या 1000-2000 है, तो वो भी कर डालो ना। जितना ज़्यादा एक्सपोजर दोगे आपको जल्दी बिकेगी, प्राइस भी अच्छा मिलने का चांस रहेगा। हम डालना कुछ भी नहीं चाहते और सोचते हैं हम सभी कर लें। आप सोचो अगर ये सोशल मीडिया हटा दिया जाए, ऑनलाइन चीज़ें हट जाए, आप अकेले बेचने जाओ तो कितना बड़ा हेडेक है, सबको जा के पूछोगे रोड पे खड़ा होके, सर घर खरीदना है क्या, ये तो सुविधा हो चुकी है और इसके लिए अगर मुझे एक हल्का सा पेमेंट करना पड़े तो अच्छा है, वो प्लेटफॉर्म की सर्विसेज लो। और जैसे ज़्यादा बिकता कैसे, मान लो एक सोसाइटी में रहता हूँ, उसी सोसाइटी के अंदर ज़्यादा चांस रहते हैं कि आपको अच्छे बायर मिल जाएँ, क्योंकि ऑलरेडी रह रहे हैं रेंट पर, या उनके फ्रेंड रिलेटिव जब आते हैं उनके यहाँ तो बोलते हैं यार कुछ हो तो बता अगर अच्छी चीज़ लगती है तो। ज़्यादातर मैंने देखा है कि सबसे इजी सबसे सॉफ्ट टारगेट बोले तो जो वहीं पर रह रहे हैं उन्हीं में से कोई ना कोई ख़रीद लेगा। समझो मैं रह रहा हूँ, मेरा भाई देख रहा है, तो मेरे यहाँ अगर फ्लैट आता है तो मैं भाई को बोलता हूँ अरे यार संजय आ जा तू भी मेरे बाजू में, दोनों भाई रहेंगे, तो हम उनको, और फिर वो पर्सनल रेफरेंस से आ रहा है तो ज़्यादा ईजी रहता है, ऐसा मैंने देखा है। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान दें, ठीक है। अब आपने लिस्टिंग कर ली, अब आपके पास लीड आने लगी है, आपने डाल दिया है व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में, लीड आई तो एकदम रिस्पॉन्ड करें उसको टाइम दी, ठीक है। ऐसे नहीं कि आ गई आपने ध्यान नहीं दे रहा है, फिर आदमी निकल जाता है, कोई रुकता नहीं है, कोई आप आखिरी नहीं हो कि आप घर बेच रहे हो उसके बाद घर नहीं होंगे, उसके पास भी 10 ऑप्शन है। आप जानते हो कि प्रॉपर्टी की कमी नहीं है, बायर का मार्केट होता है, तो आपको कोई आए तो उसको दिखाओ। अब उसके लिए बहुत कंडीशन मत रखो कि बस मैं सैटरडे को 1 घंटा 10 से 11 दिखाऊंगा, अवेलेबिलिटी बढ़ाओ अगर आपको जल्दी करना है। मैंने देखा है कि जो बंदा चाबी रेडी रखता है दिखाने के लिए, सब फैसिलेट करके रखता है, उसका बहुत जल्दी बिकता है, क्योंकि नहीं तो 1/3, 3 में से 1 ही विजिट हो पाती है आपके टाइम के हिसाब से करने जाएंगे, तो कस्टमर का कोई भरोसा नहीं कब कौन आ जाए क्या ले ले, तो क्यों मैं शर्तें डालूँ। अगर डिसाइड हो गया है तो भाई यहाँ पे एक अरेंजमेंट कर दिया है, कभी भी जाके दिखा दो। कि अब मैंने एक घर बेच रहा हूँ, मतलब बहुत घर सही है सब कुछ है, पर उनका कैसे वो बॉम्बे में रहते हैं, वो चाबी दे नहीं सकते, तो मैं एक फ़ोन करता हूँ, फिर वो बंदे का अवेलेबिलिटी देखते हैं, फिर वो एक आता है बॉम्बे से यहाँ, फिर वो एक को दिखाने के लिए आता है, क्योंकि बड़ी हाई टिकट साइज़ की प्रॉपर्टी है, 6.5-7 करोड़ की है। अब 6 महीने हो गए, क्योंकि विजिट ही महीने में 1 आध हो पा रही है उसकी, बट अगर उन्होंने यही मुझे चाबी दे दी होती तो मैं 1 महीने में कम से कम 6 विजिट करा देता, हफ्ते में तो आराम से करा देता, तो क्या है 6 महीने का 1 महीने में काम हो जाता।
कि कोई भी आता तो मैं बोलता सर एक और ऑप्शन है चलो देख लो ना, कब कौन क्या ले लेगा पता नहीं, तो आप वो अवेलेबल रखो, ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अब अगला चीज़ रहता है कि कोई अगर देख के जाए तो उससे आपने जो कोट किया है वो बोलता है नहीं प्राइस थोड़ी ज़्यादा है कुछ है, तो आप ऑफ़र मांगो उससे, तो ठीक है आप अपना बताओ, अगर कुछ जमता है तो बात करेंगे। ऐसे नहीं कि लोग आ रहे हैं देख रहे हैं जा रहे हैं कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो उनको उतना थोड़ा सा फ्री करो कि नहीं दें ऑफ़र, मैंने 1 करोड़ बोला है तुमको 70 बोलना है 50 बोलना है आप बोलो, क्योंकि आपको जजमेंट भी आए, कोई चीज़ है बिक नहीं रही है तो एक ही चीज़ है कि भाई आपकी प्राइस ज़्यादा है, बस बिकती हर चीज़ है। बोलते हैं ना, मैं जब सेलिंग में स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे एक गुरु मिले बहुत बड़े, उन्होंने बोला सनत कचरा भी अगर जो घर का निकालते हो ना दिन में 2 बार आता है वो रद्दी वाला कचरा भी बिकता है घर का, जो आपका टूटा फूटा स्क्रैप है या यू नो रद्दी है, तो आप तो घर बेच रहे हो क्यों नहीं बिकेगा, खाली प्राइसिंग में करेक्शन की ज़रूरत है, अगर बहुत दिन हो गए बिक नहीं रहा है आपने सब कर लिया तो थोड़ा सा प्राइस रिड्यूस करो बस, ज़्यादा अटैच मत हो जाओ क्योंकि हमारा बड़ा लगाव रहता है उससे, ठीक है जब निकल सोच लिया है तो निकाल देने में भलाई रहती है। तो उनसे ऑफ़र मांगो, ऑफ़र मांगो और दिया तो फिर यू नो क्या है मतलब कितने दिन में पेमेंट होगा, क्रेडेंशियल कैसा है, क्या उसने प्री अप्रूव लोन लिया हुआ है, ऐसे तो नहीं वो टोकन देके फंसाएगा 6 महीने तक डील करेगा, अगर कोई इमीडिएट या मेरा डाउन पेमेंट है एकदम रेडी हो पेमेंट लेके, 1-2 लाख कम ज़्यादा होता है नहीं सोचने का, आप सिंपल सोचो ना 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है आपका EMI जा रहा है मान लो 70,000, आज 1 करोड़ के था अगर कोई फिर 97 भी बोलता है बेच दो क्योंकि 6 महीने बाद आप बेचोगे तो जगह पे ही हो, आपने उतना EMI भर दिया, ये हाथ में पैसा लेके खड़ा है, तो आप फाइनेंशियल कैलकुलेशन को समझो। कोई कोई नहीं तो बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को कोई घाई नहीं है, आई कैन होल्ड ऑन यू नो आई एम नॉट इन ए हरी, कोई डिस्ट्रेस सेल नहीं है मैं 2 साल भी वेट करूँगा, क्या ही फ़ायदा ना, आप 2 साल बैठोगे ठीक है आज इसका 90 मिल रहा है 2 साल बाद 1 करोड़ मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, बट जगह पे ही हो ना, उससे अच्छा आज मोकड़े हो रहे हो फ्री हो रहे हो, 2 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, और आज आपको हाथ में पैसा मिल रहा है वो पैसा कहीं भी डालोगे तो बढ़ेगा ना, 10-12% रिटर्न निकालोगे 6-7% निकालोगे बैंक में दोगे आपका EMI बचेगा, कितनी चीज़ें हैं, फिर और जूनी हो जाने के बाद सोसाइटी और फिर पुरानी जैसी लगने लगती है, कल क्या हो आज हाथ में कोई बैठा है, जब कोई चेक लेके बैठ जाए तो मत सोचो वो टाइम पे एकदम फिक्स रिजिड नहीं रहने का, नहीं नहीं इससे नीचे मैं 1 पैसा नहीं करूँगा, अरे क्या है 1 पैसा नहीं करूँगा, बोलने को बोलो लेकिन कभी भी अपॉर्चुनिटी आए ना ग्रैस्प करो, सोचने का टाइम मत दो, तो एक ही है बोलने का कि आप हाथ में चेक लेके बैठे हो फाइनल करना है तो मैं लास्ट, नहीं तो लोग क्या है प्राइस निकाल सर लास्ट कितने में दोगे यही पूछना लगा रहता उनको, आप कितना भी लास्ट बोल दोगे फिर वो उसके नीचे का ऑफर दे देगा, बोलो लास्ट क्या मैंने बताया वही प्राइस है, हाँ ठीक है आप अभी का अभी चेक लेके बैठते हो फाइनल करना है देख लेते हैं क्या है बातचीत करके ख़त्म करेंगे, पर एकदम अमाउंट मत बोलो उसको, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, और अगर कोई टेक्निकल अगर यू नो मान लो कोई कंसर्न ब्रोकर के पास से काम कर रहे हो तो आप ब्रोकर जो है अच्छा ढूंढो, बहुत मायने रखता है आपकी इतनी बड़ी चीज़ को हैंडल करने लायक ही है क्या, उसकी रेरा है क्या, उसके पास ऑफिस है, कुछ ब्रांड है, कुछ साल काम किया है, कुछ लोगों को बेचा है, कोई रेफरेंस दे सकता है, कोई टेस्टिमनी है उसके पास कि भाई आप इनसे चेक कर लो हमने उनकी प्रॉपर्टी बेची थी, क्या 5 ऐसे नंबर दे सकता है वो, नहीं तो किसी को भी दे दिया अब वो लगा हुआ है, भले 2 पैसा जाए लेकिन अच्छे को हायर करो, वो ब्रोकरेज में आपने बोला मैं खाली इतना 0.5% दूंगा और उसको काम दे दिया, जो अपना खुद का ब्रोकरेज नहीं ले सकता है वो आपके लिए क्या अच्छी प्राइस दिलाएगा, समझ रहे हो आप भाई, अगर कोई और ज़्यादा बेटर रहता है ब्रोकर के थ्रू चले जाओ, मान लो आपको 1 करोड़ चाहिए था, ब्रोकर क्या बोलेगा मेरे को 1-2% दो, तो बोलेगा 1-5 दिला दे, 1 के ऊपर जो भी निकालेगा तेरा है, सिंपल ना, घर का नहीं देते हैं अपन, बोलो ये मेरा प्राइस है डायरेक्ट बेच रहा हूँ 1 में बेच रहा हूँ, तुझे ब्रोकरेज उसके ऊपर तू 5 लाख निकाल 5 लाख तेरा, देखना वो डबल जान डालेगा, पर नॉर्मली हम बोलते हैं नहीं नहीं हमको ब्रोकरेज देना ही नहीं है, क्या है आप अपना नुकसान कर रहे हो, वो आदमी 4 को और लाएगा आपका काम करेगा, और आपको पैसे तब देने हैं जब आपका पैसा हाथ में आ जाएगा, शुरू में तो कोई लेता नहीं है दिखाएगा क्लाइंट लाने का, तो कहाँ रिस्क है, थोड़ी सी सोच अपनी रखने का ऐसी, ठीक है। अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करो और बताओ कि हम इस बारे में जानना चाहते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा है
क्योंकि मेरा बहुत बड़ा तजुर्बा है इसमें, मैं इसी टॉपिक पे दुनिया को सिखाता हूँ, तो यू नो आप मुझे जान सकते हैं, नंबर यहाँ पर आ जाएगा, आप पूछ सकते हैं कि क्या करना चाहिए, कोई है छोटी मोटी हेल्प तो हम भी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।